नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और इस समय सेफ भी दोस्तों होंगे आप। दोस्तों, एक स्टूडेंट का दर्द क्या होता है ये मैं बयां करूंगा आपके सामने। क्या करना चाहिए हमें इस समय, क्या ना करें, सारी बातें इसमें करने वाले हैं। एक तरीके से एक मोटिवेशन वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए होगा। काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर मोटिवेशन वीडियो डालो, तो आज थोड़ा मैं बोर्ड के सामने नहीं आया क्योंकि बोर्ड पे बनाता, थोड़ा मेरे कमर में दर्द है, इस वजह से मैं रूम में बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आप सभी के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है ये वीडियो। और इस वीडियो के बाद में ये आप जरूर टेक करोगे कि मुझे क्या करना चाहिए इस समय। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक स्टूडेंट का दर्द क्या होता है, समझते हो आप? मैं बताता हूँ आपको क्या होता है एक स्टूडेंट का दर्द। दोस्तों, एक स्टूडेंट होता है, वो तैयारी करता है। अभी तो कोरोना से काल चल रहा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल लाइफ की बात कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट 2 से 3 महीने किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है और उसे एग्ज़ाम डेट भी उसे पता है कि भाई 3 महीने के बाद में ये एग्ज़ाम डेट है, फलाने दिन मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। वो बड़ा मन लगा के तैयारी करता है, कब की बार मैं सिलेक्शन ले कर रहूँगा, कोचिंग्स करता है, टेस्ट लगाता है, मतलब सारे एफर्ट वो करता है। जब एग्ज़ाम की तारीख नज़दीक दोस्तों आ जाती है तो उसे पता लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, या ये समस्या कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद। तो उस समय दोस्तों जो एक स्टूडेंट का दर्द होता है, वो एक स्टूडेंट जिसके साथ ये हुआ है वही दोस्तों बता सकता है। मतलब हम उसे बयान नहीं कर सकते शब्दों में, इतने एफर्ट करके वो हम तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम डेट नहीं आती है, आती है फिर हम पहुँचते हैं उस एग्ज़ाम डेट के नज़दीक, तैयारी करते हैं फिर से, फिर वो पोस्टपोन हो जाती है। तो दर्द शायद ये दर्द दोस्तों वही स्टूडेंट फील कर सकता है जो इस मार्ग से गुजरा है। और ये दर्द दोस्तों उस समय और बड़ा हो जाता है जब वो एक स्टूडेंट है, बेरोजगार है, या उसके ऊपर डिपेंड उसकी फैमिली है, या उसकी शादी हो गई, उसके घर में बच्चे हैं, वो डिमांड करते हैं और वो एक आस लगाए बैठे हैं कि आज हमारा पा है कि नौकरी लग जाएगी तो हमें ये करके देगा। हमने उनसे वादे कर रखे हैं, उन्हें सपने दोस्तों हमने दिखा रखे हैं, और हम उस वक्त जब पेपर देने जाते हैं तो हमें यह पता लगता है कि पेपर नहीं होगा इस तारीख को, तो वो दर्द दोस्तों उस समय और बढ़ जाता है। ये दर्द दोस्तों मैं फील कर सकता हूं क्योंकि मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूं, मैं अपने आप को कोई टीचर नहीं मानता कि मैं टीचर हूं। टीचर का मतलब होता है कि परफेक्ट हो जाना, ये परफेक्ट है ये नहीं। अगर मैं टीचर बन जाऊंगा तो मैं कुछ सीखूंगा नहीं लाइफ के अंदर, मैं जीवन भर एक स्टूडेंट बनकर रहना चाहता हूं क्योंकि स्टूडेंट दिन ब दिन हर दिन दोस्तों एक नई चीज सीखता है। उस दिन दोस्तों आप सभी से बहुत कुछ नया सीखता हूँ, आप बहुत सारे कमेंट करते हैं, उन कमेंट में आप सभी की फीलिंग्स होती है, उन फीलिंग्स को मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ। तो इंसान को एक अपने नेचर के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। मैं टीचर नहीं बनना चाहता, मैं स्टूडेंट बनकर रहना चाहता हूँ। तो मैं ये दर्द आपका दोस्तों समझ सकता हूँ। दर्द इस समय दोस्तों काफ़ी बड़ा है, कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारी भर्तियाँ आई हुई हैं लेकिन एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही, और कुछ अता पता भी दोस्तों इस समय नहीं है कि कब होगा। एज फैक्टर बीच में आ रहा है कि अगले साल मैं एलिजिबल होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मेरी अगले साल शादी हो जाएगी, फिर मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, बहुत सी चीज़ें लाइफ के अंदर होती हैं दोस्तों। जीवन एक संघर्ष है दोस्तों। इस दर्द को दोस्तों कैसे कम किया जाए? दोस्तों, ये जो दर्द आपके सीने में है, ये कोई और दोस्तों आपका दर्द कम नहीं कर सकता है। इस दर्द को दोस्तों खुद आप ही कम कर सकते हैं, इस दर्द को दोस्तों मिटा सकते हैं आप खुद ही। दूसरा आपके दर्द को नहीं समझेगा कोई, न वो आपके दर्द को कम करेगा, बल्कि आपकी तकलीफें वो बढ़ा के चला जाएगा क्योंकि समय इस प्रकार का चल रहा है। दोस्तों, आपने एक चिड़िया देखी होगी। हमने एक कहावत भी सुनी है कि भगवान उठाता भूखा है लेकिन सुलाता नहीं है। बिल्कुल जायज बात है, लेकिन क्या पेट भरने से, रोटी सुबह शाम मिलने से क्या जीवन का गुजारा हो जाएगा? जो अपने सपने देखे हैं क्या वो पूरे हो जाएंगे? नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी दोस्तों है कि एक चिड़िया जो होती है, हमने कहीं सुना है कि चिड़िया जो पक्षी होती हैं, मैंने एक चिड़िया का उदाहरण लिया कि चिड़िया को दाना भगवान देगा, लेकिन दाना तो भगवान जरूर देगा उसे, लेकिन उसके घोंसले में नहीं देगा उसको। कभी देखा है कि उसके चल के खाना उसके घोंसले में आ गया? नहीं ना। उस चिड़िया को घोंसले से बाहर निकलना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा, जगह जगह फिरकर देखना पड़ेगा कि उसका भोजन कहाँ पर है। उसे खुद को दोस्तों ढूंढना है। भगवान ने तो उसे ये बता दिया कि आपको भोजन मिलेगा, शाम को आपको दाना पानी मिलेगा, लेकिन आपको प्रयास करना, आपको मेहनत करनी है,
ये सेम चीज़ हमारे साथ भी दोस्तों हैं। हमारी नौकरी पक्की है, हमने ठान लिया, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा, कंपटीशन बहुत तकड़ा है, लेकिन हार नहीं माननी हमें। ये दर्द बड़ा है, लेकिन दर्द का इलाज दोस्तों क्या होता है, जब भी हमारे हाथ पर कोई जख्म दोस्तों हो जाता है ना, अगर वो जख्म सही हो जाए तो अलग बात है, अगर नहीं होगा तो डॉक्टर हमारे हाथ को ही काट कर निकाल देगा, हाथ काट के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि अगर नहीं काटा हाथ को तो जख्म है, उसका इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा और हमारी मौत भी दोस्तों हो सकती है। तो दर्द का इलाज क्या किया, पूरा हाथ काट दिया। तो इस दर्द को भी दोस्तों हम पूरा ही खत्म कर सकते हैं, कैसे? पढ़ाई करके। ये जो समय चल रहा है ना, इस समय में हम ऐसी पढ़ाई करें कि पेपर वाला कितना भी कठिन पेपर क्यों ना बना ले, हमारा सिलेक्शन दोस्तों वो नहीं रोक सकता है। कौन करेगा ये पढ़ाई? आप करोगे। तो इस दर्द को दोस्तों हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। जरूर बड़ा है आपका, लेकिन खत्म भी हो सकता है अगर आप चाहो तो। ये जो समय चल रहा है ना, इसमें बहाने मत बनाओ आप। मैं देखता हूँ रोजाना बहुत सारे कमेंट, और मेरे फोन पे भी बात होती है मेरे रिलेटिव से, अलग अलग जगह दोस्तों से, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझे कॉल करते हैं जहाँ मैं कोचिंग से पढ़ाता था उनके, कि सर कब तक कॉल है, कब तक पेपर हो सकता है। आपके भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, मुझे लगभग यही बात सुनने को मिलती है। मैं पूछता हूँ ना किसी से, अरे यार तैयारी कैसे चल रही है? नहीं तैयारी सर नहीं चल रही है, इसमें तारीख बिना तैयारी कैसे करें? कोई कहता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई कहता है कर रहे हैं, कोई कहता है कि बिल्कुल कर ही नहीं रहे जब तारीख आई। तो मतलब आप खुद मेहनत ही नहीं कर रहे हो इस समय। फिर आप चाहते हो कि आपका दर्द कम हो जाए, आपने उस दर्द को कम करने के लिए क्या किया इस समय? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बातें की। बातें करने से कुछ नहीं होगा जीवन में। जीवन एक संघर्ष है और आपको लड़ना पड़ेगा इससे। नहीं लड़ोगे तो दोस्तों मारे जाओगे, और कुत्ते की मौत मारे जाओगे इस समय, क्योंकि भीड़ बहुत लंबी है दोस्तों। अगर उस भीड़ से निकल कर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना एक दोस्तों करना पड़ेगा। एक और बात, बच्चों को कमेंट आते हैं कि सर हमें मोटिवेट करो, आप मोटिवेट करो। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको मोटिवेट कोई नहीं कर सकता, आप अपने आप को मोटिवेट खुद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जरा नजर घुमाकर अपनी फैमिली की तरफ देखो। आपके मम्मी पापा जो है ना, वो गली में अगर बाहर घूमने जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, तो उनको उनको रिलेटिव जो मिलते हैं वो ये बात पूछे, बच्चे क्या कर रहे हैं इस समय? वो एक ही बात बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई कर रहा है, SSC की तैयारी कर रहा है, बेटा पुलिस की तैयारी कर रहा है, बेटा फलाने एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब की बार लग जाएगा, बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, अब की बार उसने कोचिंग की है, उन्होंने क्या बोला कि अब की बार लग जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने कहा कि तारीख नहीं है, तारीख आएगी तब तैयारी करेंगे। तैयारी होती नहीं है, स्ट्रेस है, चिंता है, धैर्य नहीं बन पा रहा है, ये चीज़ें कर रहे हो आप। देखो उनकी तरफ, उन्होंने आस लगा रखी आप सभी के लिए कि अब की बार मेरा बेटा लग जाएगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी पत्नी ने आस लगा रखी है कि मेरा पति अब की बार गवर्नमेंट जॉब लगेगा तो मेरी ख्वाहिशें पूरी होंगी। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो वो इस उम्मीद में हैं, अगर पापा जॉब लग जाते हैं तो मजे आ जाएंगे, मन में आएंगे, वो चीज़ें हम करेंगे। उनके सपने आप पूरे कर सकते हो। देखो उन सपनों को जो आपने उनको दिखाए हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मोटिवेशन अंदर से अपने आप आएगा दोस्तों कुछ करने के लिए। अगर ऐसा कुछ नहीं फील करते हो आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, तो बाहर से वीडियोस देखने से मोटिवेशन नहीं मिलता, मोटिवेशन अंदर से आता है। कुछ जुनून होता है वो अंदर से निकलता है, वो सामने वाले को देख के निकलता है। आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब इतनी इंपॉर्टेंट है, शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको समझ में आ गया है। सभी बातों का दोस्तों एक ही कंक्लूजन है कि जो समय चल रहा है ना, इसको इम्प्लीमेंट करें। जो आपका दर्द है उसे ताकत बनाए दोस्तों, उसे कमजोरी न बनने दें। कल को ये बात दोस्तों न बोलनी पड़े कि यार वो मैंने तैयारी की थी, फिर डेट आगे चली गई तो मैंने फिर तैयारी डिस्टर्ब हो गई थी, इस वजह से मेरा सिलेक्शन। ये बातें मत बोलो, कायर मत बनो, संघर्ष करो, लड़ो, इस दर्द को कम करो। समय बहुत अच्छा चल रहा है, समय कभी खराब नहीं होता। तैयारी करो, कभी न कभी तो एग्जाम होगा दोस्तों। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, एक सुबह तो जरूर होती है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेना चाहूँगा आपसे। तैयारी करें, पॉजिटिव थिंक रखें, अपनी फैमिली को देखकर तैयारी करें कि भैया मुझे नौकरी लगना है और मेरी फैमिली है, मेरे पे डिपेंड है, तो उनके सपनों को पूरा करना है, तो मोटिवेशन अंदर से आएगा। और अपने सपनों को पूरा करना वो भी देखें कि मेरे सपने क्या हैं, मैं क्या चाहता हूँ जीवन में, वो गवर्नमेंट जॉब से दोस्तों पूरे कर सकते हो।
या फिर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आप कर सकते हो। दो ही ऑप्शन आपके पास, या तो आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आपको जरूरत नहीं गवर्नमेंट जॉब की, अगर नहीं है तो दो नंबर ऑप्शन पर यही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में। समय बड़ा अनुकूल है, तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो लगातार करें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। कोई भी चीज़ पूछनी है तो कमेंट कर देना यूट्यूब पे, या पर्सनल कोई बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ सही है, सिर्फ हमें सही बनना है। मेरी बातें समझ पाए होंगे, मिलते हैं इसी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। जय हिंद, जय भारत।